यार एक बात बोलनी थी, दैट आई लव यू, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू. मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे. किसको बोल रहे हो? मैं आपके बिना नहीं रह सकता. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं भूल जाओ मेरा कोई है, क्योंकि मेरे सिर्फ तुम ही हो. तो क्या अपना वो चोला पकड़ के भागने वाली बातें कर रही है? यार मेरे को थोड़ी सी वो चाहिए. मैं क्या चाहिए? तुम बार बार मेरे में प्रैंक प्रैंक, कभी किसी बात का, कभी किसी बात का. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल. आपका अपना अर्पित खजूरिया. पल्लवी ने जो कल रात को मास्क अपने ऊपर लगाया था, उससे काफी अच्छा ग्लो आया, वो देख सकते हो आप. मैं रात को जब सो रहा था, मेरी आंखें बंद थी, तो एक अलग सी चमक उठी मेरी आंखों में. ऐसे लगा कि कोई रोशनी सी आ रही है. और फिर मैंने जब अपनी आंख खोली तो देखा, तब मैंने देखा तो इसकी स्किन से, इसके फेस की स्किन से एक अलग ही ग्लो आ रहा है. और अभी सुबह सुबह जस्ट मैंने अपनी वाइफ को कॉफी बना के अभी सर्व की है. और मैंने इसीलिए बोला था मुझे नहीं चाहिए. कहती तब मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि तू बताता है. ये पूरा दिन मेरे को बोलेगा कि मैंने पानी एक्चुअली देखो करके दिया पानी. कुछ करो तो उसको जताओ भी, और खासकर अपनी वाइफ को जरूर जताओ. बात तो सही है, क्योंकि पूरे दिन जताता, क्योंकि ये आपको जताती रहेगी तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता. इसलिए जब करो तो उसको जताना जरूरी है. और कई बार अगर आपको मना भी करे नहीं करना, तब भी जताओ. वो मौके ऐसे होते हैं जब आप विन टू विन करते, विन टू विन. बारिश वाला मौसम हो रखा है, आप देख सकते हो इतना प्यारा वेदर है इस टाइम पे. मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर हग लूँ. क्या बोलती? उठा भी देना फिर. विस्की ना करे और तुम कर. दीदी ने बाहर बुला लिया, इसका बिल्कुल मन नहीं था उठने का. आवाज़ आ चुकी है दीदी की, इसको उठ के अभी जाना पड़ेगा. और यही टाइम होता है जब इसको सबसे ज़्यादा गुस्सी आती है. इसको गुस्सी चढ़ती है कि मेरे को उठना पड़ रहा है. ये सुबह बन रहे हैं हमारे ब्रेड सैंडविच. और सैंडविच एक ऐसी चीज़ है जो पल्लवी बहुत अच्छा बनाती है, ऐसा मुझे लगता है. बाकियों का मुझे पता नहीं, बाकियों को लगता है सर. क्या बेइज्जती का कर रहा हूँ मैं? और तो क्या कर रहे हो? नहीं, शी इज़ वेरी गुड इन मेकिंग ब्रेड सैंडविच. और मैगी को अच्छी बनाती है, क्योंकि हाँ मैगी भी अच्छी बनाती है, क्योंकि मैगी में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता. नहीं जी, तुम काट के देते हो मुझे उसके लिए सामान. तो कभी आप लोग अगर मेरे घर आए तो आपको मैं ब्रेड सैंडविच और मैगी खिलाऊंगा. नहीं दीदी, बहुत अच्छा खाना बनाती है, हम आपको खाना भी खिलाएंगे. खाली पेट ये तो नहीं, पल्लवी की हाथ की बात कर रहा हूँ मैं. ये तो इसके घर में जो भी आता था ना, ये तो उनको पानी तक नहीं पूछता था. मैं पूछता था. अर्पित खजूरिया के दोस्त आते थे, उनको ऐसे ही भेज देता था. मैं सीधे उनको पूछता था क्या पीना है. बेसिक. और शराब शराब पीनी शराब. अभी इसके दोस्त आते हैं, खा पी के मजे से चिल करके. ये सुख है बीबी का. सुख है. वैसे मैंने सारा प्याज टमाटर काट के, अब पल्लवी ये सारा फिलिंग कर रही है. भगवान से ना डरो अर्पित. क्यों? भगवान से डरो झूठ बोलने से पहले. क्या झूठ बोला मैंने? ये जो तुमने अभी बोला ये झूठ ही बोला. क्या मैंने पनीर काटा था? पनीर की जो स्लाइसेस है ये मैंने किए, देखो कितनी परफेक्ट स्लाइसेस की हैं मैंने. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन डू बेटर. बोली ना खुदा का खौफ खाओ. तेरा खौफ खाऊं वो कम है? मेरा कोई खौफ नहीं है, मैं सिर्फ एक्टिंग मारता है. ये बिहेव लाइक इसको काफी है. और ये हमारी टिक्कियाँ गर्म हो रही हैं. ये सीधे रास्ते से नहीं आना इस लड़की ने, इसने हमेशा उल्टा रास्ता ही पकड़ना. देखो क्या पंगे करे जा रही है. बाहर दरवाज़ा लगा है, वहाँ से आ जाए, नहीं आना यहीं से. अब खुल नहीं रहा इसे. क्या क्या बात कर रही है? बाहर से कैसे करूँ मैं? तेरे खुल नहीं रहा था, सीधे बोल. सो गाइस देखो, लाइफ इज गुड. सैंडविच बना दी है मेरी वाइफ ने मेरे लिए. एंड कुशन लगा. और क्या चाहिए आपको? बढ़िया सा सैंडविच, चाय बन गई हुई है, और यहाँ मेरी चुड़ैल सी वाइफ. व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ? गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना. तो मुझे इग्नोर करके क्या मिलेगा तेरे को? मेरे सच्चे प्यार की कीमत तुम क्या जानोगे पल्लवी बाबू? मुझे कुछ चाहिए. ये ले मेरा पास ले ले फिर. तूने आधा सैंडविच क्यों छोड़ा पल्लवी? खा ले तू अभी. नहीं खाएगी तू तो फेंक देती. यही गंदी आते हैं गाइस इसकी. खाना नहीं खाती है पूरा. कहाँ खाती है पूरा? तूने आधा सैंडविच छोड़ दिया. खा लूंगी थोड़े टाइम में, मुझे तो नहीं लग रहा. फ्रेंड का मुझे कॉल आया और उसने मुझसे ये बोला कि यार मुझे ना कोई एडवाइस दे कि मैं कैसे अपनी बंदी को, या जिसको वो बंदी बनाना चाहता है उसको मैं प्रपोज करूं.
तो अब क्या होता है कि लड़कियों के दिल का हाल ना हर कोई नहीं समझ पाता, तो इसलिए आई थॉट कि इस बारे में मैं पल्लवी से बात करूं, बट लेकिन वो अभी रील देख रही है। मैं सो रही हूं, मुझे नींद आ रही है। कोई एक ऐसी एडवाइस यू वांट टू से और टू गिव इट टू लाइक कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं? किसको? मतलब मेरे फ्रेंड को अभी जरूरत है एक एडवाइस की, तो व्हाट यू वुड लाइक टू से कि कैसे प्रपोज किया जाए, मतलब उसको अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का ना कोई वो नहीं होता, मतलब आपको जो आपके दिल में इफ यू लाइक हर तो बोल दो, जो जो उसकी अच्छी बातें आपको लगती है, जो आप दिल से फील कर रहे हो वही प्रपोज करते टाइम बोलना चाहिए, दैट्स इट। तो मतलब ये जो दिल में बात है वो सीधे उसके मुंह पे बोल दो। हां राइट। तो ऐसा नहीं कि अगर कुछ ऐसी बात गलत बोल दी या ऐसा कि कुछ गलत क्यों बोलना है, क्योंकि अगर गलत लड़कियों मतलब की ना फीलिंग समझना बड़ा मुश्किल है, समटाइम्स दे विल लाइक कि तूने इस तरीके से प्रपोज नहीं किया। यार प्यारी प्यारी बात। हां तो थोड़ा सा लड़कियों मतलब को एक ऐसा टॉपिक बता कि क्या बोले, लड़कियों को ऐसा है कि थोड़ा सा स्पेशल कुछ छोटा मोटा वो कर दो, बट अगर उसके लिए क्या जैसे क्या, लेकिन अगर लड़की के दिल में फीलिंग होगी ना तो उसको मैटर नहीं करता। क्या पता अगर लड़की को गाड़ी चाहिए, वो प्रपोज थोड़ा ना हुआ, वो तो गिफ्ट हो गया। तो जो दिल में है वो बात बोल दे, जो दिल में है वो बोल दो। मैं कुछ चार्जर पकड़ा हूँ, मेरे दिल में ये है, मैंने बोल दिया और तुम पकड़ा दो। चल मैं उसको कॉल करके बोल देता हूँ फिर। किसको? दोस्त को? हाँ बोल दो। बोल दो मेरी वाइफ ने ये एडवाइस दी मुझे। तेरे दिल में है वो बोल दे, ज्यादा सोच मत, एंड अगर कुछ छोटा सा उसके लिए स्पेशल कर देगा तो उसको अच्छा लगेगा, लड़की को स्पेशल फील होगा। ठीक है, एक चॉकलेट दे दो उसको। चॉकलेट दे दो, रोजेस दे दो, राशन कार्ड दे दे अपना। राशन कार्ड में तो नाम आ ही जाएगा शादी के बाद, वो राशन कार्ड से वो करेगी क्या बेचारी। मैंने तेरे को प्रपोज किया था तब तेरे को कैसा फील हुआ था? तुमने इसने किया ही नहीं गाइस मेरे को प्रपोज। गजब बेइज्जती है। मैंने तेरे को प्रपोज नहीं किया। चल कहां प्रपोज किया तुमने मुझे, क्या बात कर रही है तू? व्हेन डिड यू प्रपोज टू मी? याद कर वो पहला दिन हमारा। पहला दिन कौन सा? जब तो हम दोनों मिले थे। कहां? वो तो तेरे को ही पता है। शट अप। वो बैठ के हम सुनाएंगे ना स्टोरी। हाँ। वो डालनी है इस बारी है ना लव स्टोरी। वो रील देखना बंद कर, हमें वो फोन पे चार्जर दे दो यार, चार्जर मांग रही हूं तुमसे। मेरे को एक बारी वो लगाना, फोन करना इस बारी, एक बारी आवाज कम कर यार, मैं उसको कॉल करूं। हेलो हेलो, अर्पित अर्पित बोल रहा हूं यार, एक बात बोलनी थी। आपके बिना नहीं रह सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं भूल जाऊँ मेरा कोई है, क्योंकि मेरे सिर्फ तुम ही हो। क्या? किसको बोल रहे हो? ये सब बातें बोलनी है तुम्हें उस लड़की को? क्या मैं मारूंगी यार अर्पित, तुम हमेशा मुझे दुखी करने के लिए ये सब चीजें करते हो। हेलो हेलो, तेरे को क्यों मार रही थी? तुम कैसे मेरे सामने ऐसी बात कर रहे हो पागल कहीं का? मुझे लगा पता नहीं किसको। तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा? क्या लगा? तो यही लगेगा तुम पता नहीं किसको बोल रहे हो। तो मैं अगर बोलना है तो मैं इतना बड़ा डफर हूँ उसके सामने बोलूंगा? मैं पीछे से ही बात करता हूँ जैसे करता आ रहा हूँ। मतलब मैं कोई मुझे बता, कोई करेगा सामने बात? सामने बोलूंगा हाँ तेरे से, तो इट वाज अ जोक, और तू दो मिनट में सीरियस हो जाती है। बाबू सीरियस नहीं होना होता, देख मेरी बात को समझने की कोशिश किया कर। अगर मैं कभी भी, ये सच बात है, अगर मैं कभी भी मतलब लाइफ में खुदा ना खास्ता, जब भी मैं मोस्टली प्रैंक करता रहता तेरे ऊपर, अगर कभी मैं तेरे को बाहर कभी रेस्टोरेंट में मिल गया या मतलब किसी लड़की के साथ, तो वो प्रैंक है। अगर मैं तेरे को कभी किसी कमरे में मिल गया लड़की के साथ, तो वो प्रैंक है, सीरियस नहीं होना। चाहे वो प्रैंक में एंड में बोलूं चाहे मैं ना बोलूं, समझ ले तभी प्रैंक है। मुझे एक गोली एक गन का लाइसेंस ले लेना चाहिए। वो प्रैंक के नाम पे साला कुछ भी कर लो है, कुछ भी करो, शर्म नहीं आ रही, खुद ही बोल रहा है सर, क्या बोलूं मैं। इट वाज अ जोक था यार, डोंट गेट सीरियस बाबू, इट वाज अ जोक। अब ऐसे से जोक मैंने भी करने थे। नहीं तू मेरे पे मत कर, तू बड़ी खतरनाक बन रही है। करूंगी अब की प्रैंक करने के लिए, प्रैंक करने के लिए जो मैं नहीं बोल रही वो मैं कर नहीं रही। मैं इसलिए नहीं कर रही गाइस, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें ना बड़ी सेंसिटिव लगती है। सेंसिटिव है मैं एक्चुअली, मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं बातें बड़े दिल पे ले लेता हूं, और मतलब मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं, मुझे चुप जाता है, मुझे ना अंदर कहीं ना कहीं चुप जाता है। नहीं बोल बोल तू, तेरे पे ज़ूम कर रहा हूं मैं, तू बोल तू बोल।
मैं सोऊंगी यार। अच्छा होता है ये, क्यों नहीं खाया? अच्छा नहीं है ये? अच्छा होता है ये, चल खा फिनिश कर इसको। अच्छा होता खा ले, तुरंत खा ले। अच्छा बच्चा खा ले, खा ले, फिर चाय पियेंगे। आजा चाय चाहिए इसको, इतना सा चाय चाय चाय। अरमान क्या चाहिए? चाय चाय दे दे। चाय चाय कैसी बना? अच्छी बना? नहीं हाँ। अच्छी बना हाँ। इसे क्यों लड़ता है अरमान? दीदी से क्यों लड़ता? मैं बड़ा हूँ ना, इसे नहीं लड़ता। मैं इसको हरा देता हूँ। अच्छा दीदी को हरा देता है तो बड़े 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 भाई को हराता फिर? नहीं हा? बड़े भैया को, बड़े भैया को नहीं हराता। पल्लवी अपनी जीप लगा सकती है नाक के साथ? यार अर्पित नहीं कर रहा फ्रस्ट्रेट, पता है तुम्हारा यही काम है, तुम सुबह उठते हो ना मेरे को फ्रस्ट्रेट करने। अरे मैंने खाली ये बोला अपनी जीप जो अपनी टांग है वो नाक के साथ लगा सकती है। मैं ना वैसे ही फ्रस्ट्रेट, अगर लगा देगी तो जो बोलोगी मैं कर दूंगा। मैं ना आज घर जा रही हूँ, सिंपल सी बात। क्या मेरे को नहीं रहना? क्यों? मैं लिटरली जा रही हूँ। किस वजह? यही कि मैंने बोल दिया तेरे को जीप मतलब नाक के साथ लगा रही हूँ। कर रहे हो कभी कुछ, कर रहे हो कभी कुछ, कर रहे हो मतलब कुछ भी। वो तो जोक था, जोक था तुम्हारे जोक के चक्कर में। यार मेरी फीलिंग है वो नहीं हर्ट होती, तेरी रोज ही हर्ट हो रही होती फीलिंग। कोई नई बात है, तुम रोज मुझे हर्ट करते हो। प्यार भी तो करता हूँ। वो नहीं करते, वो तेरे को दिखता नहीं है, बात अलग है। हाँ दिखता नहीं है, प्यार अंधा होता है, वो दिखता नहीं है। मेरा प्यार नहीं दिखता? मैं भी अंधा, मेरे लिए भी प्यार अंधा है। नहीं मैंने नहीं आज रहना, आज मैं घर जाऊंगी। ऐसे नहीं करना प्लीज, मेरा वैसे भी मना कर। तुम बहाने ढूंढ दिए घर भागने की, मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं बाबू गंदी बात, कोई क्या क्या गंदी बात है इसमें? मैं घर जा रही हूँ, क्या गंदी बात है इसमें? अब यही तेरा घर, अपने घर में रह रहे हो, ये भी फिर गंदी बात। जो पति का घर है वो आपका घर है, पति का घर मेरा है। ऐसे नहीं बोलते बाबू, जहाँ पति रहे वहाँ उसकी पत्नी रहे, जीवन ऐसे ही व्यतीत करना है। घर जाना है बस, मेरे को घर जाना है, मैं घर जाऊंगी। आज तू फाइनली जो ये डायलॉग है तेरा घर जाने वाला वो पूरा करके दिखाएगी तू मुझे। पूरा करके दिखाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ अभी। नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। ड्रामे मत किया कर, ड्रामे नहीं मैं सीरियसली। अभी रात का टाइम हो रहा है, अभी कहाँ जाने का शौक चढ़ा हुआ है यार। बोलो तुम बार बार मेरे पे प्रैंक प्रैंक, कभी किसी बात का कभी किसी बात का कभी। ये ऐसे बहाने हैं, ये बेसिकली सच में जाना चाहती है तो उसको पालावली की शक्ल देखो इसकी। अभी ऐसी रोकेगी अपनी, कितनी कांडी है तू पता है? और क्या, यू जस्ट वांट टू गो होम, अंतर भी बहाना मिलकर जाने का। तुम अपने मम्मी पापा के पास रहते हो, मैं नहीं रह सकती। मम्मी पापा के पास नहीं, शादी के बाद सिर्फ पति के पास ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा अपना बैग पकड़ लो, लैपटॉप। ऊपर से जाऊंगा दुकान से लेके आऊंगा, कहीं पीछे वाली डिक्की खोल ले इसमें डालो सामान। पता है मैंने कहा मैं बता दूं तेरे को एक बार, तो पता नहीं है। छोटी सी तो है, थार चला के रहती है बैठ के। चलो पकड़। डोंट अंडरएस्टिमेट मी ना। हाँ हाँ, नेवर अंडरएस्टिमेट यू, तेरे अंदर एक शैतान है। ठीक है पीछे रख दे, आराम से बंद कर, जोर से। ये बॉय पहले गाड़ी स्टार्ट कर भाई, जानबूझ के फुटेज लेने के लिए करती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू दिल से। साइड गाड़ी मोड़ रही है, अब इसको लगेगा टाइम, मैं भी शायद निकाल ले। आंदे आंदे, अब इसने रिवर्स में टाइम वेस्ट कर दे रहा है। नीचे से क्यों नहीं गई? नीचे से क्यों नहीं गई? चल कर 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 कर, आने दे ये मेरी प्यारी गाड़ी में ठोकना। बस 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 बस, जाने पीछे गियर, ये दो हाथ से डालती है पीछे रिवर्स। आंदे बैक कैमरा है, आने दे अभी आ जाएगा, आने दे ट्रस्ट योर हस्बैंड। चला मोड़, अब चल चलो सीधे। देखा मैंने जैसे आपको बोला था, इसको कम से कम भी 5-10 मिनट लग जाने हैं मोड़ते मोड़ते रिवर्स करते करते। मैं नहीं रुक पा रहा था, तभी तेरे को बोलता नीचे से लेके जाएगा, तेरे को टाइम लगता रिवर्स करने में। कोई टाइम नहीं लगा, नहीं लगा टाइम, मैंने बोला भाई लगा। चल ठीक है, बाय, लव यू, बाय बाय। गाइज मेरी स्कूटी स्टार्ट हो गई है, चलो अब दही लेके आते हैं। सो गाइज दही तो मिल गया, बट लेकिन तीसरी दुकान से, पहली दुकान पे गया वहाँ पे भी नहीं था, दूसरी में गया वहाँ पे भी नहीं था, कहता भैया खत्म हो गया, एक बोलता आया नहीं, फिर तीसरी भी गया तो फिर वो बोलता भाई पड़ा है मेरे पास। मैंने कहा शुक्र है, तभी इतना टाइम लग गया। बट एनी हो गाइज, अब मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपनी डाइट बनानी है तो उसमें टाइम लग जाएगा, फिर जिम भी जाना है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय।
Love you all. See you tomorrow with a new video, with a new prank. Thank you all for your love and support, guys. Bye-bye. Take care. Have a good night. Bye-bye.